आज की हमारी जर्नी होने वाली है उदयपुर से जयपुर की वंदे भारत ट्रेन में। ये उदयपुर सिटी का रेलवे स्टेशन जिसका अभी काम चल रहा है। हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। ये रही हमारी ट्रेन जिसमें हमारी आज की जर्नी होने वाली है उदयपुर से जयपुर की। हमारी ट्रेन 7:50 पर उदयपुर से निकलेगी और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7। ये ट्रेन 50 मिनट बाद में यहाँ से निकलेगी। ये राजस्थान की तीसरी वंदे भारत है जो पहली बार 24 सितंबर 2023 को चलाई गई थी। इस वाली वंदे भारत की एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर है और टॉप स्पीड 130 तक जाएगी। मैं आज ऐसी चेयर कार में ट्रेवल करने वाला हूं जिसका टिकट मुझे 1350 रुपये का पड़ा, जिसमें फूड चार्ज भी शामिल है। फूड में मुझे मिलेगा मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट और लंच। ये रहा हमारा बोर्ड C2। उदयपुर से ही हमारा ब्रेकफास्ट भी बोर्ड किया जाएगा और देखते हैं हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। डोर्स ओपन हो चुके हैं और चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। ये वॉशरूम जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है चेयर कार, इसमें 3x2 की सीटिंग मिलती है। ये सामान रखने के लिए थोड़ी सी ऊपर स्पेस। मैं वंदे भारत ट्रेन में पहली बार ट्रेवल कर रहा हूँ। अगर आपने कभी वंदे भारत ट्रेन में ट्रेवल किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने विंडो साइड सीट बुक करवाई थी और ये रही हमारी सीट नंबर 5 विंडो। इसमें विंडो बहुत थोड़ी सी मिली है हमें। ये ट्रे टेबल जो खोलते हैं इसे ओपन हो जाती है। ये नीचे वाटर बॉटल होल्डर हर सीट पे मिलेगा आपको और हर सीट के नीचे चार्जिंग सॉकेट मिलेगा आपको। ये रीडिंग लाइट जो टच करते ही चालू हो जाती है। अपने निर्धारित समय पर ट्रेन निकलने के लिए तैयार। ये पेंट्री कार जिसमें हमारा खाना ठंडा या गर्म किया जाता है।
अब चलते हैं अपनी सीट पर। ट्रेन के निकलते ही हमें मिला एक न्यूज़पेपर। हम अभी पहुंच चुके हैं राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर। यहां पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकेगी। हमें मिली एक 500 ml की पानी की बोतल। हमें मिली ये टिकट जिसमें ये 2 बिस्किट, हैंड सैनिटाइज़र और ये चाय का पाउडर। इस पाउडर को गर्म पानी में डालेंगे और हमारी चाय बन जाएगी। चाय का स्वाद तो ठीक ठाक है। ये जो आपको सामने दिख रही है ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं मावली जंक्शन। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है। डोर्स ऑटोमेटिक है इसलिए मैं ट्रेन से नीचे नहीं उतर रहा हूँ। मावली जंक्शन से निकलते हमें मिल चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। हमें ब्रेकफास्ट में मिला है आलू की सब्जी, वेज कटलेट, दही, 4 पूड़ी और फ्रूट केक। इन सब में से मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी वो है ये वेज कटलेट। ये अजमेर भीलवाड़ा वाला लाइन है जिस पे भी हमारी ट्रेन का रिवर्सल होगा चित्तौड़गढ़ से। ये चित्तौड़गढ़ जंक्शन, यहाँ पर हमारी ट्रेन 4 मिनट पहले ही आ चुकी है और चित्तौड़गढ़ फेमस है अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए जो एशिया में नंबर 1 पर आता है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन को क्या बढ़िया डेकोरेट कर रखा है पेंटिंग से। अब यहाँ से हमारे ट्रेन का रिवर्सल होगा और ये बढ़ जाएगी अजमेर भीलवाड़ा वाली लाइन पर। चलो अब अंदर चलते हैं, ज़्यादा देर बाहर खड़े नहीं रहेंगे कहीं गेट बंद हो गए तो। ये सामने ब्रिज जिससे हम अभी आए थे। अब चलते हैं ट्रेन के वॉशरूम में और आपको दिखाते हैं ट्रेन का वॉशरूम कैसा है।
मिरर एकदम नीट एंड क्लीन और पानी भी आ रहा है। ये सोप ये कुछ वार्निंग्स वंदे भारत ट्रेन में बायो टॉयलेट लगा हुआ है। ट्रेन अभी पहुंच चुकी है भीलवाड़ा जंक्शन स्टेशन पर। भीलवाड़ा स्टेशन पर अपनी ट्रेन 6 मिनट पहले ही आ चुकी है और यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है विजयनगर रेलवे स्टेशन पर और यहां पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का होल्ट है। अभी हम स्किप कर रहे हैं नसीराबाद रेलवे स्टेशन को, यहाँ पर हमारी ट्रेन में कोई भी होल्ट नहीं है। अभी हम पहुंचने वाले हैं अजमेर जंक्शन पर और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिफोर टाइम ही आ चुकी है। ये जो आपको ट्रेन दिख रही है ये है अजमेर सराई रोहिला शताब्दी एक्सप्रेस। अजमेर में हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। अजमेर फेमस है अपने आना सागर लेक के लिए और अजमेर शरीफ दरगाह के लिए। ये जो आप सामने ट्रेन देख रहे हो ये है अजमेर सियालदह एक्सप्रेस जो यहाँ से 12:50 पर चली है। ये हमारा लंच गर्म करने के लिए रखा जा रहा है जो हमें किशनगढ़ के बाद में सर्व कर दिया जाएगा। अजमेर से निकलते ही क्या शानदार कर्व देखने को मिला है जिससे मुझे पूरी वंदे भारत दिख गई है।
ये जो ट्रेन खड़ी है ये है अजमेर टू पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन खड़ी है ये है अजमेर टू जम्मू। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। हम अभी पहुंच चुके हैं किशनगढ़ जंक्शन पर। किशनगढ़ फेमस है अपने मार्बल के लिए। यहाँ से पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे इंडिया में मार्बल सप्लाई होता है। किशनगढ़ से निकलते ही हमें सर्व कर दिया गया है हमारा लंच। इसमें देखते हैं हमें क्या मिला है। लंच में हमें मिला है एक दाल फ्राई, एक पनीर की सब्जी और राइस और दही, दो परांठे और गोभी की सब्जी सूखी। जैसे ही हमारा लंच ख़त्म हुआ हमें मिल चुकी है आइसक्रीम। ट्रेन का खाना एकदम ठीक है, आप चाहे तो नॉन वेज मील भी ऑर्डर कर सकते हो। ट्रेन अभी 110 120 की स्पीड में चल रही है। हम अभी कुछ ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं। मुझे तो ये वंदे भारत ट्रेन बहुत ही बढ़िया लगी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में।